नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, जिस लॉटरी के रिजल्ट का आप लोग इंतजार कर रहे थे उसका रिजल्ट आ चुका है। मैंने प्रॉपर पीडीएफ तैयार कर लिया है और आपको मैं रिजल्ट जो है प्रॉपर दिखा देता हूं, एक एक चीज अच्छे से बता देता हूं। आपसे मेरी दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये कि टिकट को पहली नजर में रिजल्ट देखते ही फाड़ मत देना। हो सकता है आपको नंबर देखने में थोड़ी दिक्कत आती हो, अगर आती हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लेकिन एक बात याद रखना कि अच्छे से आपको एक एक नंबर मैच करना है, किस्मत का कोई पता नहीं कब खुल जाए। दूसरी बात, आप जब चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ लगेगा नहीं, हमें हौसला हो जाएगा और भगवान आपको रिजल्ट के अंदर अच्छे से अच्छा परिणाम देगा। तो देखिए रिजल्ट। तो दोस्तों, पंजाब स्टेट डीहर लोहड़ी मकर संक्रांति बम्पर 2024 का रिजल्ट आ चुका है। स्क्रीन पर आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। पहला इनाम दो लोगों को मिलेगा, यानी 2.5 करोड़ के दो इनाम हैं पहले। तो उसमें जो नंबर है वो है 6625474 7417775। ये हैं 2.5 करोड़ के बड़े इनाम। इसके बाद में सेकंड प्राइज जो है उसके लिए आपको जो नंबर है वो दिखाई दे रहा होगा 3508744106111। इसी के साथ थर्ड प्राइज जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा 572268। इसी तरीके से आपको फोर्थ प्राइज मैच करना है, इसी तरीके से फिफ्थ प्राइज मैच करना है। प्राइज को बड़े आसान तरीके से मैच करिएगा, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ प्राइज के अंदर आपको पीछे के केवल 4 अंक मैच करने हैं। जैसे जो बड़ा नंबर है उसके पीछे के 4 अंक आपको अपनी लॉटरी से मिलाने हैं, जैसे 1397 2247। इसी तरह से फिफ्थ इनाम के लिए 1080 1642। इस तरह से आपको नंबर जो है मैच करने हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं सिक्स्थ प्राइज के नंबर, और इनको बड़े ध्यान से आपको मैच करना है। जैसे अगर पीछे के 4 अंक आपके 0 से शुरू होते हैं तो आपको पहली लाइन में देखना है, 1 से शुरू होते हैं तो पहली लाइन के लास्ट 3 अक्षर से शुरू करना है देखना। इस तरह से आपको एक एक नंबर जो है इसमें मैच करना होगा। ध्यान रहे दोस्तों, सिक्स्थ प्राइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप लोगों को एक एक नंबर बड़े ध्यान से देखना है। यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सिक्स्थ प्राइज को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों, जिन भाइयों को रिजल्ट नहीं निकला वो अगली बार के लिए उम्मीद करें, और जिनको निकला है वो लोग जो है उनसे मेरी अपील है कि एक काम कीजिए, ये जो क्लेम वाली वीडियो है ये जरूर देखिए और जल्दी से जल्दी नई गाइडलाइंस के तहत आप क्लेम के लिए अप्लाई कर दीजिए।